Good morning, students. Today we will start from here. Rocking horse. And what is the condition of farm? And what is going on there in the house? We will see. The uncle was delighted to find that his small nephew was posted with all the racing news. It means अंकल जो थे वो डिलाइटेड थे, खुश थे टू फाइंड दैट, ये बात देखकर, दैट इज अ स्मॉल नेफ्यू, कि उनका छोटा सा भतीजा जो है वाज पोस्टेड विद ऑल द रेसिंग न्यूज, मतलब सब तरह की रेसिंग न्यूज को अच्छी तरह से जानता है. वाज एट द यंग गार्डनर. वाज एट कौन है? यंग गार्डनर है हु हैड बीन वांटेड इन द लेफ्ट फुट एंड द वार. उसको लड़ाई मतलब वार में, युद्ध में उसका लेफ्ट जो था घायल हो गया था. एंड हैड गॉट हिज प्रेजेंट जॉब थ्रू ऑस्कर क्रेसवेल. उसको ऑस्कर क्रेसवेल के थ्रू एक जॉब मिला था जो अभी वो कर रहा है. हुज बैटमैन ही हैड बीन वाज अ परफेक्ट ब्लेड ऑफ टफ एंड ही लिव्ड इन द रेसिंग इवेंट्स एंड द स्मॉल बॉय लिव्ड विद हिम. देखिए जो वो व्यक्ति जो है, क्या नेम है उसका बताइए? वॉसेट. वॉसेट जो है वॉज ए परफेक्ट ब्लेड ऑफ टर्फ. मतलब कि ब्लेड ऑफ टर्फ का मतलब ये घास का जो तिनका होता है उसकी तरह, ये परफेक्ट घास के तिनके की तरह है. एंड ही लिव्ड इन द रेसिंग इवेंट्स. और वो रहता था कब? रेसिंग इवेंट्स के साथ, यानी रेसिंग इवेंट्स में वो था. देन द स्मॉल बॉय लिव्ड विद हिम, और वो छोटा लड़का पॉल जो है उसके साथ रहता है. दैट्स व्हाई ही न्यू अबाउट हॉर्स रेसिंग आल्सो. यानी वो भी हॉर्स रेसिंग के बारे में इसीलिए जानता है. ऑस्कर क्रेसवेल गॉट इट ऑल फ्रॉम वॉसेट. ऑस्कर क्रेसवेल ने भी ये सब कुछ कहां से पाया था? वॉसेट से पाया था. Master Paul comes and asks me, so I cannot do more than tell him, sir, said Wasit. Wasit ने कहा कि Master Paul मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा. That is why I tell him all the things. मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया. His face terribly serious. उसका चेहरा जो था पूरी तरह से भयानक रूप से serious हो गया था. As if he were speaking of religious matter. जैसे कि वो सब किसी रिलीजियस मैटर के बारे में बात कर रहे हो. इट इज अ वेरी पायस एंड रिलीजियस मैटर कि बच्चों को कभी भी इस तरीके की रेसिंग, हॉर्स रेसिंग की या कोई गलत बात कभी भी नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर होते हैं. और अगर किसी का घर, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी का घर बिगाड़ना है तो उनके बच्चों को बिगाड़ दो. इट मीन्स अब अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं देन फैमिली का पूरा लेवल बिलो आ जाता है. और इसलिए वो कह रहा है कि मुझे, मेरे पास ये आए थे हॉर्स रेसिंग के बारे में पूछने के लिए, तो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड, मैंने उन्हें बता दिया. एंड नाउ ही बिकम सीरियस बिकॉज ऑफ ही न्यू इट वेरी वेल. वो अच्छी तरह से जानता था कि इट इज अ बैड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है उसको बताना. ओके देन एंड डज ही एवर पुट एनीथिंग ऑन अ हॉर्स ही फैंसीज. क्या उसने कभी कुछ हॉर्स पर रखा? ही फैंसीज यानी वो इस बात की कल्पना करता है, सोचता है. वेल आई डोंट वांट टू गिव हिम एनी हिम अवे, ही इज अ यंग स्पोर्ट. अच्छा, आई डोंट वांट टू गिव हिम अवे, मैं उसको दूर नहीं रखना चाहता. ही इज अ यंग स्पोर्ट, वो यंग पर्सन है. एंड अ फाइन स्पोर्ट, और एक बहुत अच्छा स्पोर्ट, एंजॉयमेंट करता है उसमें. सर वुड यू माइंड आस्किंग हिम, सर क्या तुम अपने दिमाग से पूछना चाहोगे? ही सॉर्ट ऑफ टेक्स अ प्लेजर इन इट, एक तरह का एंजॉय होता है इसमें एंड हॉर्स रेसिंग में. एंड परहैप्स ही हैड फील आई वॉज गिविंग हिम अवे, और शायद हम उसको, ही हैड फील, इस चीज को वो फील करता है बट हम उसको दूर रखना चाहते हैं. इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम इस बात को बुरा नहीं मानो तो. वॉसेट वॉज सीरियस एज अ चर्च. वॉसेट जो है अब एकदम चर्च की तरह सीरियस हो जाता है. ही वॉन्ट्स टू बी पायस. हिज थॉट्स शुड बी
full of purity. And the uncle went back to his nephew and took him off for a ride in the car. उसने क्या किया? अपने nephew को uncle Oscar ने बुलाया. Went to back his nephew and took him off for a ride in the car. और car में बैठा लिया. Say Paul, old man, do you ever put anything on a horse? The uncle asked. Uncle ने पूछा. Paul, old man, do you ever put anything on a horse? क्या तुमने कभी कोई चीज घोड़े पर रखी? तो the boy watched the handsome man closely. लड़का जो था वो उस handsome man को पास से देखता. Why do you think I oughtn't to? He parried. उसने कहा कि आप ये क्यों सोचते हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? Not a bit of it. मैं जरा भी नहीं सोचता. I thought perhaps you might give me a tip for the Lincoln. उसने कहा ठीक है, मैं तुमको जरा भी मना नहीं करता, शायद तुम मुझे कोई एक लिंक दे पाओगे इस टिप के लिए. द कार स्पेड ऑन इन टू द कंट्री गोइंग डाउन टू अंकल ऑस्कर्स प्लेस इन हैम्पशायर. कार जो है वो आगे बढ़ी इन टू द कंट्री, उसके अपने एरिया में गई. गोइंग डाउन टू अंकल ऑस्कर्स प्लेस. अब ये कार जो है किस तरफ जा रही है? अंकल ऑस्कर के अपने एरिया में, अपने प्लेस में, अपने हैम्पशायर में जा रही है. ऑन अ ब्राइट, सेड द नेफ्यू. नेफ्यू बोलता है ऑन अ ब्राइट. तो नाउ अंकल इज आल्सो सेइंग ऑन अ ब्राइट सन. ओके, देन वेल देन डैफोडिल किसके लिए बोल रहे हैं? हॉर्स के नेम्स. अब देखिए रेसिंग हॉर्स चल रहा है और इसमें अंकल ऑस्कर उसका साथ दे रहे हैं उस लड़के का, क्योंकि उसे पैसे ये लोग लगाते हैं, रेस जीत जाती है तो उनको पैसे मिलते हैं बहुत सारे. तो यही बात है कि वो उस बच्चे को ले जाते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं किस पर लगाना है. देन वो बच्चा बोलता है, नेफ्यू बोलता है ऑनर ब्राइट. तो अंकल क्या बोलते हैं? सर द अंकल ऑनर ब्राइट सन. वेल देन डैफोडिल. फिर डैफोडिल के बारे में क्या है? इट इज ऑल्सो अनदर हॉर्स. तो डैफोडिल आई डाउट इट्स फनी. व्हाट अबाउट मिर्जा? मिर्जा के बारे में क्या है? आई ओनली नो द विनर, सेड द बॉय. दैट इज डैफोडिल ए. उसने कहा कि मैं केवल विनर को जानता हूं. उस लड़के ने कहा दैट्स डैफोडिल. ये डैफोडिल है. डैफोडिल ए. देयर वाज अ पॉज. फिर थोड़ी देर वो रुकता है. Daffodil was an obscure horse comparatively. अंकल, yes son. उसने कहा देखिए obscure है वो, मतलब पूरी तरह से confirm नहीं है daffodil के बारे में. Then uncle, yes sir, you won't let it go any further, will you? यानी उसको आगे नहीं जाने दीजिए. I promised, was it ने कहा. I promised, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ. वॉज इट बी डन? ओल्ड मैन, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट? वॉज इट बी डन? ओल्ड मैन उसको कहता है डैम्ड ओल्ड मैन. व्हाट ही गॉट टू डू इट विद इट? उसे इससे क्या करना है? वी वर पार्टनर्स. हम दोनों वी आर पार्टनर्स. हम दोनों पार्टनर्स हैं. एंड वी हैव बीन पार्टनर्स फ्रॉम द फर्स्ट. और हम सबसे पहले पार्टनर हैं अंकल. ही लैंड मी my first 5 shillings which I lost. yani he lent me my first 5 shillings. usne mujhse 5 shillings udhar liye the which I lost, jo ki main matlab wo main kho diya. I promised him, maine usse promise kiya. honor bright, it was the only between me and him. only you gave me the 10 shilling note. I stared winning with so, यानी कि it was only between me and him, मेरे और उनके बीच में. only you gave me that 10 shilling note. I started, और मैंने 10 shilling का नोट दिया था. I started winning with so, और मैंने जीतना शुरू कर दिया. I thought you were lucky, और मैं सोचता हूँ कि तुम lucky थे.
यू वॉन्ट लेट इट गो एनी फर्दर विल यू, और तुम और ज्यादा आगे नहीं जाओगे, लेट इट गो एनी फर्दर, क्या तुम्हें और आगे जाना होगा या जाओगे, विल यू, क्या ऐसा तुम कर सकोगे। द बॉय गेज दैट हिज अंकल फ्रॉम दोज बिग हॉट ब्लू आईज सैट रादर क्लोज टूगेदर, द अंकल स्टर्ड एंड लव्ड अनइजिली। द लड़का जो था गेज्ड एट हिज अंकल, कूर कर देख रहा था अपने अंकल को, फ्रॉम दोज बिग हॉट ब्लू आईज, अपनी बड़ी बड़ी गर्म और ब्लू कलर की आईज से, सेट रेदर क्लोज टूगेदर, जो दोनों की एक दूसरे से पर टिकी हुई थी। द अंकल स्टेयर्ड एंड लाफ्ड, अंकल ने अपने आप को स्टेयर्ड किया, झकझोरा अपने आप को, एंड लाफ्ड अनइजली, और अनइजली लाफिंग करने लगे। राइट यू आर सन, आई विल कीप योर टिप प्राइवेट, उसने कहा ठीक है सन, मैं तुम्हारी टिप को प्राइवेट रखूंगा, पर्सनल रखूंगा। डैफोडिल, ए हाउ मच आर यू पुटिंग ऑन हिम, कितना लगाते हो डैफोडिल पर, ऑल एक्सेप्ट 20 pounds, 20 pounds को छोड़कर सब कुछ, सेड द बॉय, लड़का कहता है, आई कीप दैट इन रिजर्व, मैं इसको रिजर्व में रखूंगा, यानी कि 20 pounds को मैं रिजर्व में रखूं। इज इट क्लियर टू यू? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, यस मैम, यस मैम, ओके डन। द अंकल थॉट इट इज अ गुड जोक, अंकल ने ये सोचा कि एक अच्छा जोक है, यू कीप 20 pounds इन रिजर्व, तुम 20 pounds रिजर्व में रखोगे, डू यू, यू यंग रोमांस, व्हाट आर यू बैटिंग देन, उसने कहा कि अच्छा यंग रोमांस, तुम What are you betting then? तब तुम किस बात की शर्त लगा रहे हो? I am betting 300, said the boy gravely. लड़का सीरियस होके कहता है कि मैं शर्त लगा रहा हूँ 300 rupees. But it's between you and me, uncle Oscar, honor bright. लेकिन यह बात मेरे और तुम्हारे बीच में है, अंकल ऑस्कर, honor bright. यहाँ पर honor bright का मतलब है अपने सम्मान के लिए, इट मीन्स ये जब शर्त लगाते हैं घोड़ों पे तो ऑनर राइट वर्ड का यूज करते हैं कि हम लोग ईमानदारी से ये शर्त को पूरा करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? ज्योति, आर यू हियर इन द क्लास? हेलो, यस मैम, ओके डन। द अंकल बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर, अंकल जो है उनका बहुत तेज से वो हंसने लगे, बस्ट रोर ऑफ लाफ्टर मतलब बहुत तेजी से हंसना, इट्स बिटवीन यू एंड मी, ये मेरे और तुम्हारे बीच में है, ऑल राइट, यू यंग नेट गोल्ड, ही सैड लाफिंग, बट वेयर्स योर 300, लेकिन उसने कहा तुम्हारे 300 कहाँ है, वास इट, कीप्स इट फॉर मी, वी आर पार्टनर्स, वसित ने कहा यू कीप्स इट फॉर मी, ये मेरे पास, वी आर पार्टनर्स, हम लोग पार्टनर है, यू आर यू तुम हो, अच्छा तुम हो, एंड व्हाट इज वसित पुटिंग ऑन डैफोडिल, तो फिर वसित क्या लगाते हो डैफोडिल पर, ही वोंट गो क्वाइट एज हाई एज आई डू, आई एक्सपेक्ट परहैप्स ही विल गो 150, व्हाट अ पैनीज लाफ्ड The uncle pounced, said the child with a surprised look at his uncle. He won't go quite as high as I do. मतलब वह इतना ऊंचा नहीं जाएगा जस्ट जितना कि मैं करता हूँ, I expect, मैं उम्मीद करता हूँ, perhaps he will go 150, शायद वो 150 तक जाएगा. What pennies? क्या pennies की बात करते हो? Laughed the uncle. अंकल हंसने लगता है, एंड पाउंड्स, सेड द चाइल्ड, चाइल्ड कहता है पाउंड्स के बारे में बात करो, विद अ सरप्राइज लुक एट हिज अंकल, और वो सरप्राइज होकर किसकी तरफ देखने लगता है, अपने अंकल की तरफ, वॉसेट कीप्स अ बिगर रिजर्व देन आई डू बिटवीन वंडर एंड अमेजमेंट, वॉसेट कीप्स अ बिगर रिजर्व,
देन आई विल. मतलब वासेट जो है वो बड़ा रिजर्व में रखने वाला बंदा है, उसके पास ज्यादा पैसा रहता है जितना कि मैं करता हूँ. बिटवीन वंडर एंड एमिसमेंट, और वो वंडर और एमिसमेंट में, आश्चर्य में और एंजॉय में, अंकल ऑस्कर वाज, इन दोनों चीजों से अंकल ऑस्कर जो थे साइलेंट हो गए. ही परस्यूड दैट मैटर नो फर्दर, बट ही डिटरमाइंड टू टेक हिज नेफ्यू विद हिम टू द लिंकन रेसेस. अब देखिए, ही परस्यूड दैट मैटर, वो इस मैटर पर बात कर रहे थे, समझौता कर रहे थे. नो फर्दर बट ही डिटरमाइंड, इसके आगे वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो डिटरमाइंड थे किस बात के लिए, हिज नेफ्यू विद हिम टू गो टू लिंकन रेसेस, कि उनका बेटा जो है, उनका नेफ्यू जो है वो लिंकन रेसेस के लिए जाएगा. नाउ सन ही सैड, और उसने कहा बेटा आई एम पुटिंग 20 ऑन मिर्जा, मैं मिर्जा पर 20 लगा रहा हूँ, एंड आई विल पुट 5 ऑन फॉर यू ऑन एनी हॉर्स फॉर यू फैंसी. उसने कहा जो भी हॉर्स तुम बताओ उसके लिए मैं आई पुट 5 लगाऊंगा. व्हाट्स योर पिक, एंड तुम्हारा क्या सीन है? डैफोडिल. उसने कहा डैफोडिल अंकल, नो नॉट द रिवर ऑफ डैफोडिल, फीवर ऑफ डैफोडिल. उसने कहा नहीं डैफोडिल नहीं. आई शुड इफ इट वाज माय ओन फीवर, सेड द चाइल्ड. उसने कहा आई शुड इफ इट, अगर ऐसा होना चाहिए, was my own fiber. उसने बोला I fiber मतलब 5, said the child. लड़के ने कहा good right you are, a fiber for me and a fiber for you on daffodil. Okay, यानी 5-5 हम लोग daffodil पर लगाते हैं. The child had never been to a race meeting. Child कभी भी race meeting में नहीं था before, and his eyes were blue fire. उसकी आंखें ब्लू फायर की तरह हो रही थी. He pursed his mouth tight and watched the, और उसने अपने मुंह को टाइटली बंद कर रखा था और वो देख रहा था. A Frenchman just in front and had put his money on land plot. और एक Frenchman जो कि just in front उनके सामने था, had put his money, उनका पैसा उसने रखा land plot में. And wild with excitement, he flayed his arms up and down, yelling, landlord. वो चिल्ला रहा था जोर जोर की आवाज में, landlord. Wild with excitement से पागल हो गया था in his French accent. वो अपने French accent में ये words बोल रहा था, चिल्ला रहा था, landlord. It means daffodil came in first, landlord second, मिर्जा थर्ड. नाउ अब डैफोडिल फर्स्ट आया है. द चाइल्ड फ्लश्ड एंड विद आईज ब्लेजिंग, उसकी आंखें चमकने लगी, बस केयरलेसली सात ने एकदम क्यूरियस होकर साइलेंट हो गया. हिज अंकल ब्रॉट हिम फॉर 5 pounds नोट्स 4-1, और उसके अंकल ब्रॉट हिम फॉर 5 pounds नोट्स, 5 pounds नोट लाए 4-1. And what am I to do with these? He cried. उसने बोला मुझे इसका क्या करना है? Waving them before the boy's eyes. उन्होंने अंकल ने पैसे लाकर उस लड़के के सामने wave किए, हिलाए. And I supposed we will talk to who is it? Yeah. What is flat? एक मिनट. Where is flat? Fourth line. Okay, flushed. No, ma'am. Fourth line. Yes, ma'am. जब मैं पढ़ा रही थी तब आप, अच्छा. He flared his flared मतलब upside, ऊंचा करना. I have already told. उसने अपनी बाहों को ऊपर करके हिलाया. Okay? Ups and down. ऊपर भी और नीचे भी. Okay? Yes, ma'am. Then. पहले ही पूछा करिए. His uncle brought him 4-5 pound notes, 4-1. Okay? What am I to do with these? He cried, waving them before the boy's eyes. Or, usne waving them,
उस लड़के की आंखों के सामने उनको हिलाया उन नोट्स को. ओके आई सपोज वी विल टॉक टू व्हाट्सएप. मान लो कि हम अब चल के व्हाट्सएप से बात करेंगे. सेट द बॉय, वो लड़का बोला आई एक्सपेक्ट आई हैव 1500 नाउ, और मैं उम्मीद करता हूँ अब मेरे पास 1500 होंगे एंड 20 इन रिजर्व, और 20 रिजर्व में एंड दिस 20 और ये 20 भी. ओके सो नाउ द टाइम इज ओवर, आई वांट टू क्लोज द क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑफ यू. थैंक यू मैम.